हेलो दोस्तों, मैं अब बढ़ रहा हूँ जो मैंने धोबी घाट का एक स्पेस देखा था वो एक्सप्लोर करने के लिए। उससे पहले मैं रास्ते से गुजर रहा तो मुझे बैलगाड़ी दिखी तो मैंने इसे भी कवर किया, आपको दिखाया। तो वीडियो में बने रहो, मैं अभी जो धोबी घाट का जो एक्सप्लोर करना जो नेरल में है मौजूद धोबी घाट जहाँ लोग कपड़े धोते, तो मैं उस जगह जा रहा हूँ वो दिखाने के लिए। तो देखते रहो वीडियो में स्टार्टिंग के भी, और भी कुछ मैं वीडियो जो कवर करा वो आपको दिखाऊंगा, और लास्ट एंडिंग में आएगा धोबी घाट एक्सप्लोर का। तो प्लीज़ बने रहो वीडियो में। दोस्तों, आपको जो ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है, ये आप सोच सकते हैं कौन सी पटरी है। दोस्तों, ये वही पटरी नेरल में जो मौजूद माथेरान जो टूरिस्ट प्लेस है, ये वही पटरी जो टूरिस्ट जो ट्रेन बनाई गई है वो यहाँ से निकलती है और डायरेक्ट माउंट पे जो टॉप पे जाती है जहाँ पे माथेरान हिल स्टेशन है ये उधर ही जाती है। ये बाकायदा आपको नेरल के जो हाईवे है नेरल हाईवे से आपको दिखेगी। और आगे बढ़ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिग एनएस व्लॉग। दोस्तों, आज मैं नेरल के एक ऐसे स्पेस पे पहुंचा हूँ जो मैं ट्रैवल करते हुए नेरल में आगे साइड जा रहा था, तो मुझे एक स्पेस दिखा कुछ वहाँ पे धोबी लोग बैठे थे। आप पत्ते देख सकते हैं, यहाँ पे धोबी लोग अपने कपड़े धो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक अजीब से मुझे स्पेस दिखा तो मैं आपको यहाँ पे विजिट कराता हूँ और अपने चैनल के जरिए दिखाता हूँ नेरल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कपड़े उपड़े धोते हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक वाइज जो पत्थर रखे हुए हैं, लोग उस पर बैठते हैं और कपड़े उपड़े धोते हैं अपने, और ये बहुत आगे तक फैला हुआ हिस्सा, बहुत आगे तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक पूरा पानी का हिस्सा है जहाँ लोग अपने कपड़े उपड़े धोते। तो आज आपको विजिट करा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं खुद भी विजिट करा, आपको भी दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ देखो और मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताओ। दोस्तों, मैं नेरल आया था, मुझे एक स्पेस मिला है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लगता है कोई धोबी लोग हैं जो यहाँ पे कपड़े उपड़े धोते होंगे। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट टाइम मैंने विजिट करा तो सोचा अपने चैनल के जरिए आपको भी दिखाऊं। ये देखिए आप, यहाँ पे पानी, कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे कुछ धोबी लोग को बैठ के देखा था जो बैठ के यहाँ पे कपड़े धो रहे थे। देख सकते हैं आप, और मैं और आगे चलता हूँ, रात में आना तो इधर रिस्की है। ये मुझे ट्रैवल करते, मैं नेरल आया था, मुझे ट्रैवल करते हुए स्पेस दिखी तो पहले मैं इधर घर पे गया, वहाँ पे फ्री व्री होके फिर मैं स्पेस पे वापस आया यहाँ का वीडियो बनाने आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं दूर दूर तक वहाँ पे एकदम पानी दिख रहा है, आगे क्या है अल्लाह जाने। जिस पे देखा, जब मैं यहाँ से जब गुजर रहा था तो मैंने ये भी देखा था पत्थरों पे बैठे थे लोग और कपड़े उपड़े धो रहे थे। तो चलो, डे का टाइम है, नाइट में आने तो बहुत रिस्की काम है। आप देख सकते हैं इधर चारों साइड जंगल ही जंगल है। ये देखिए आप, चलो मैं कोशिश करके और आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर, ये देखिए आप, वहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पानी में कुत्ते नहा रहे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल 10 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, 9 से 10 कुछ ब्लॉक्स है। इस पर धोबी लोग आते हैं, कपड़ा उपड़ा धोते, शायद इस पर धोबी घाट बना के रखा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत आगे तक है नदी, नदी है तालाब है क्या नहीं, बहुत आगे तक है ये, कहाँ से निकला पता नहीं। डे में तो इंसान जा सकता पर नाइट में आने बहुत रिस्की है इधर, बहुत रिस्की काम है इधर, क्योंकि चारों साइड मैं आपको दिखा दूँ, चारों साइड जंगल है, चारों साइड जंगल है, तो नाइट में तो कोई विजिट नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसे मैंने आपको धोबी घाट दिखाया जो हाईवे से लग के एकदम था हिस्सा, वैसे आपको मैं एक और एक हिस्सा दिखा रहा हूँ जो जस्ट हाईवे से लग के है। ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट हाईवे से लेफ्ट साइड में, ये जो आप पुल देख रहे हैं पुल क्रॉस करके जाएंगे तो उस साइड अलग से बस्ती है जहाँ लोग रहते हैं। ये आप देखिए, यहाँ से कुछ ऐसा बनाया गया है, कुछ गटर का पानी ट्रैवल होके यहाँ तक आता है ये पुल पे,
और उस साइड आप देख सकते हो पूरा माउंट दिख रहा है, और जो रोड गया तो गोल्ड राउंड दिख रहा है। उस साइड क्रॉस करके कुछ लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पर भी बस्ती बहुत सारे लोग रहते हैं नैरल में। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो पुल है, ये पुल बनाई गई है लोगों के ट्रैवलिंग के लिए, लोग अपनी गाड़ी आसानी से लेके आते हैं जाते हैं उस साइड के जो लोग रहने वाले हैं। और इस साइड भी आप देख सकते हैं पूरा जो गटर का हिस्सा इस साइड आया हुआ है। ये ब्रिज बनने से इनको फ़ायदा ये हो गया है कि उस साइड के जो बस्ती के लोग हैं वो इस साइड आराम से ट्रैवल करके नैरल के हाईवे पर आ सकते हैं, उनके जो सामान लेना था उसमें उनको आसानी होती है। ये भी जस्ट आपको मैं दिखा दूँ, ये भी जस्ट हाईवे से लग के रोड बना हुआ है, लोगों की आसानी होती है इसमें। दोस्तों मैं भी आपको और आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा जहाँ पे लोग गांव में कुछ मुर्गी वगैरह पालते हैं, जो मतलब नैरल का जो गांव टाइप का हिस्सा है जो लोग पालते हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना दिखाऊंगा मैं। तो बने रहो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलो। और ये ब्रिज बनने से वहाँ के लोगों को आसानी हो गई। ये देखो दोस्तों, ये आप मुर्गियाँ देख सकते हैं, लोग गाँव में मुर्गी पालते हैं, अंडे बैठाते हैं, फिर जब बच्चे निकलते ये वही मुर्गियाँ, मुर्गी को शायद गला कट्टू मुर्गी बोलते हैं, लोग अपने घरों के आजू बाजू में पालते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप कितने सारे मुर्गी, ये सब गांव के लोग की खासियत होती है, सब गांव में सब पालते हैं। मैं नैरल आया तो आपको अपने व्लॉग चैनल के ज़रिए दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखो, नैरल में कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जो बाकायदा गांव में जैसे घर होते वैसे ही धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो सब आजू बाजू घर देख सकते हैं आप, बन गए बड़े लंबे चौड़े अच्छे अच्छे घर बन गए। और ये घर आप देख सकते हैं किस कदर पुराना है, विलेज टाउन का घर है।